फोरम पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मंथन प्री रीट टेस्ट सीरीज लेवल 2 के SST के इकाई नंबर 7 के हल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का वीडियो हल अभी आप देखने जा रहे हैं। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो वह डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और कुछ समय के बाद इसकी PDF आपको वहां पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा हमारे अन्य सभी टेस्टों के PDF व वीडियो टेस्ट के लिंक भी वहां पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र यूनिट संख्या 7 को। दोस्तों, हमारे सामने पहला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 60% किस क्षेत्र से उत्पादित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 सेवा क्षेत्र और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कृषि जो है उससे तो सबसे कम योगदान प्राप्त होता है, उद्योग है उससे मध्यम, और जो सेवा क्षेत्र है इससे सबसे ज़्यादा हमें योगदान प्राप्त होता है। इसलिए ऑप्शन संख्या 3 जो है सेवा क्षेत्र, वो हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? देखिए, बड़ा टेक्निकल प्रश्न है और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, जन्म के समय नवजात की औसत आयु का सांख्यिकी माप। दूसरा ऑप्शन है, जन्म के दौरान नवजात के जीवित रहने की आशा। ऑप्शन नंबर 3 है, किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आयु का सांख्यिकी माप। और ऑप्शन नंबर 4 है, किसी देश में रहने के दौरान जीवित रहने की आशा। यहाँ पर दोस्तों, जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि जन्म के समय नवजात की औसत आयु का सांख्यिकी माप, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, आर्थिक नीतियों, नियमों व कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है उदारीकरण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदारीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें विदेशी कंपनियों को निवेश करने के लिए सरकार जो है वो व्यापार संबंधी नियमों में, कानूनों में और अपनी नीतियों के अंदर ढील देती है, जिसके कारण वे आसानी से किसी देश के अंदर स्थापित हो सकें, अपने प्लांट लगा सकें, जिससे कि विदेशी निवेश भी वहां पर आएगा और रोजगार के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा स्फीति की दर को किस में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मूल्य वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 है मुद्रा मूल्य, ऑप्शन नंबर 3 है सापेक्षिक गरीबी और अंतिम है थोक मूल्य सूचकांक। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, भारत में मुद्रा स्फीति की जो दर है उसे थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, बहुत सारे एग्जाम के अंदर आ चुका है, इस प्रश्न को पूछा भी जा चुका है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार बना रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी कैलोरी आवश्यक मानी गई है। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 2400, 2100, 2800, 1800 और 2600। तो ध्यान रखना है, पहला ही ऑप्शन जो है 2400 कैलोरी, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के अंदर व 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आवश्यक मानी गई है। दोस्तों, कैलोरी भोजन के अंदर गुणवत्ता का एक प्रमाप होता है, जिससे भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऋण अथवा उधार प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है साख, दूसरा है विपणन, तीसरा है व्यापार व्यवहार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो साख है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितनी ज़्यादा हमारी साख होगी, उतना ही ज़्यादा हमें ऋण अथवा उधार जो है वो मिल जाएगा। वहीं अगर बात की जाए विपणन की, तो दोस्तों, विपणन व व्यापार तो अपने आप में ही व्यापार से ही मिला जुला शब्द है ये विपणन, और व्यापार व्यवहार भी व्यापार से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए उपरोक्त सभी तो किसी भी हालात में नहीं होगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है साख, वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी मापन का पहली बार प्रयास किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं वाई के अलग, दादा भाई नौरोजी, सुरेश तेंदुलकर और नीलकंठ रथ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में गरीबी मापन का पहली बार प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त वर्ष कब शुरू होता है? ऑप्शन दिए गए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या 31 मार्च। तो ध्यान रखना है, 1 अप्रैल ये इसका सही उत्तर रहेगा। 1 अप्रैल को भारत में वित्त वर्ष शुरू होता है।
अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कार्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 2, 3, 6 और 7। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो 3 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के अंदर अर्थव्यवस्था के कार्यों को बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगभग जो सेवा कार्य होते हैं, बीमा, बैंकिंग या फिर नेटवर्क, मोबाइल की अगर अपने बात करते हैं तो वो हो गया, ये सभी सेवा क्षेत्र के कार्य हैं। या परिवहन है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योगों को रखा गया है, वहीं तृतीयक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि को रखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना को उसके कार्यकाल से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन दिया गया 3री, 4थी, 5वीं या 6ठी। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसे उसके कार्यकाल से पहले ही समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पिछले जनसंख्या घनत्व की तुलना में इस बार कितनी वृद्धि हुई है? 25, 30, 52, 36। दोस्तों यह वृद्धि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में दी गई है। जो पिछली जनगणना 2001 में हुई थी उस समय जो जनसंख्या का घनत्व था, और जो 2011 की जो जनगणना है उसमें जो राजस्थान की जनसंख्या का जो घनत्व है उसमें कितनी वृद्धि हुई है ये हमसे पूछा गया है। तो यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो यानी कि ये प्रश्न वही हल कर पाएगा जिसे 2011 का और 2001 का राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पता हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये वृद्धि हुई थी 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता कितनी है? दोस्तों यहाँ पर लगभग में दिया है इसलिए ये टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी कि पॉइंट के अंदर आगे क्या रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है 75, 60, 55 या 65। तो ऑप्शन नंबर 4, 65% इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? तो दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा बिहार जो है वो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, वहीं केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन नंबर एक है 1952, दूसरा है 1965, तीसरा है 1986 और चौथा ऑप्शन है 2001। तो ध्यान रखना है व्यापक परिवार नियोजन की शुरुआत 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ध्यान रखना है लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। वहीं स्पंज आयरन उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? एक व्यवहारिक सी बात है, इन अगर सभी हम चारों ऑप्शनों को देखते हैं, पारादीप, कोची, मंगलोर और कांडला, तो हमें ध्यान रखना है कि जापान को पूर्व का देश कहते हैं और भारत से भी ये पूर्व दिशा में है। तो जो भी इन चारों बंदरगाहों में से पश्चिम के अंदर जो बंदरगाह होंगे यानी कि जो पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह होंगे वो तो इसका उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पारादीप बंदरगाह की। तो पारादीप बंदरगाह पूर्व के अंदर स्थित है। कोची बंदरगाह, तो कोची, मंगलोर और कांडला ये तीनों ही बंदरगाह जो हैं वो पश्चिम दिशा के अंदर पश्चिमी तट के ऊपर स्थित है, इसलिए पारादीप जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा खनिजों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 5 और 6। तो इसका सही उत्तर रहेगा 2। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा लोहे का प्रकार नहीं मिलता है? ऑप्शन दिया गया है हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट या उपरोक्त सभी मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ये सभी प्रकार जो हैं वो लोहे के भारत के अंदर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, तांबा किस अयस्क के रूप में प्राप्त होता है? सल्फाइट, चारकापाइराइट या ऑप्शन नंबर 3 है अवैध दोनों या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखना है तांबा जो है वो सल्फाइट व चारकापाइराइट दोनों ही रूप में प्राप्त होता है। ये दोनों ही तांबे के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है, देश में अभ्रक के सबसे अधिक भंडार कहाँ से प्राप्त होते हैं? राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभ्रक के सबसे अधिक भंडार प्राप्त होते हैं।
अगला प्रश्न है, बिहार का सिंह भूमि किस कारण से चर्चित स्थान है? पहला ऑप्शन है परमाणु खनिज के भंडार के कारण, दूसरा ऑप्शन है कोयला अयस्क क्षेत्र होने के कारण, तीसरा ऑप्शन है लोह अयस्क क्षेत्र होने के कारण, या चौथा है तांबा अयस्क क्षेत्र होने के कारण। तो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परमाणु खनिज के भंडार के कारण बिहार का सिंह भूमि क्षेत्र जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कोयला किस स्थान से प्राप्त हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिंह भूमि, टोंक, रानीगंज और रांची। तो ध्यान रखना है रानीगंज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रानीगंज से सबसे पहले भारत में कोयला प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में लंबे रेशे वाली कपास किस नाम से जानी जाती है? बीटी कपास, ड्रीम सुपर, अमेरिकन कपास, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा, अमेरिकन कपास जो है वो लंबे रेशे वाली कपास होती है और भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस दलहन का भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है? मटर, चना, मूंग या उड़द? तो दोस्तों चना जो है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के अंदर होता है। प्रश्न संख्या 26, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा? उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यही प्रश्न अगर हमसे घुमाकर पूछा जाए कि भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो फिर इसका उत्तर पंजाब हो जाएगा। तो दोस्तों पंजाब जो है वो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन वाला है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन यहाँ से होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दलहन की फसल खरीफ ऋतु के फसल चक्र में शामिल नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मूंग, उड़द, अरहर, मटर। मटर जो है वो खरीफ ऋतु फसल चक्र में शामिल नहीं है, ये रबी की फसल के अंदर शामिल है। तो रबी फसल चक्र से जुड़ी हुई फसल मटर है, जबकि बाकी 3 मूंग, उड़द और अरहर ये रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, गन्ना किस वनस्पति का वंशज माना जाता है? नारियल, ज्वार, बांस, चंदन? तो यहाँ पर ध्यान रखना है बांस इसका सही उत्तर होगा। हम देख सकते हैं कि बांस के जैसी ही आकृति होती है, बस बांस की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जबकि गन्ने की लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर सिमिलर देखा जाए इन चारों ऑप्शनों में तो बांस ही दिख रहा था, पर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में उत्पादित होने वाली फसलें किस चक्र का हिस्सा हैं? तो दोस्तों रबी की जो फसलें हैं वो शीतकाल में उत्पादित होने वाली फसलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, कृषि विधियों के उपयोग के अनुसार फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 5 और ऑप्शन नंबर 4 है 2। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कृषि विधियों के उपयोग के अनुसार, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, 4 भागों में फसलों को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों ये 4 प्रकार हैं, खाद्यान्न, व्यापारिक, बागानी व उद्यान। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 व 4। तो सिंपल सा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 चरणों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक, कोसी, दामोदर, गंगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों इसी दामोदर नदी के ऊपर स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई थी, जिसे दामोदर घाटी परियोजना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस बांध को विश्व का सबसे लंबा बांध होने का गौरव प्राप्त है? राणा प्रताप सागर, कडाना बांध, दामोदर बांध या हीराकुंड बांध? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नहीं है? बाराकर, बोकारो, कोनार या महानदी? दोस्तों महानदी जो है वो सहायक नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए सहायक नदी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना वह जलधारा जो किसी मुख्य नदी के अंदर आकर मिलती है तो उसे सहायक नदी कहा जाता है। वहीं यदि कोई नदी या जलधारा मुख्य नदी से निकलकर अलग हट जाती है और दोबारा उसमें नहीं मिलती है तो उसे वितरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं बाणगंगा, महानदी, कोसी, दामोदर? तो यहाँ पर ध्यान रखना है महानदी को
उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी फसल है जो रबी व खरीफ दोनों फसल चक्र में शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं चावल, गेहूं, जौ, मटर। तो ध्यान रखना है कि चावल जो है वो इनमें से एकमात्र ऐसी फसल है जो रबी व खरीफ दोनों फसल चक्र में शामिल है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कब बोई जाती है। जून जुलाई, मार्च से जून के बीच, अक्टूबर नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अक्टूबर व नवंबर का महीना ऐसा होता है जिसमें रबी की फसलों को बोया जाता है और ये फसलें मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इन्हें शीतकालीन फसल चक्र का हिस्सा भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से पहले देश में कृषिगत सुधारों के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, पायलट प्रोजेक्ट या चकबंदी कार्यक्रम। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के तहत ही ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था, इसलिए ये दो ऑप्शन तो कट जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है पायलट प्रोजेक्ट, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कृषि जोतों को आकार के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। चार ऑप्शन हैं, 2, 5, 7 और 10। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 5 इसका सही उत्तर होगा। कृषि जोतों को उनके आकार के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कृषि के लिए ऋण हेतु संस्थागत स्रोत में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कमीशन एजेंट, ऑप्शन नंबर 2 है महाजन, ऑप्शन नंबर 3 है साहूकार और ऑप्शन नंबर 4 है सहकारी बैंक। दोस्तों यहाँ पूछा गया है संस्थागत स्रोत में शामिल है, तो कमीशन एजेंट बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा, महाजन भी शामिल नहीं होगा और साहूकार भी शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सहकारी बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग किस राज्य में सबसे कम किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक। तो दोस्तों प्रति हेक्टेयर सबसे कम उपयोग की बात की गई है, तो सबसे कम उपयोग उड़ीसा में होता है जबकि सबसे अधिक उपयोग पंजाब में होता है। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। 6 माह, 15 माह, 24 माह या 5 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों 15 माह जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अल्पकालीन ऋण 15 माह तक की अवधि के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क वनों में कौन से वृक्ष नहीं पाए जाते। यहाँ पर बात करते हैं नीम, बबुल, आम और केर। तो अगर हम इनमें देखें तो केर जो है वो आपको एक ऐसा वृक्ष मिलेगा जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, मरुस्थलीय वनों में पाया जाता है, जबकि बाकी के जो 3 हैं वो शुष्क वनों के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इसने यहाँ पर देखो हमसे बड़ी चतुराई से पूछा है नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा हो जाएगा, केर। दोस्तों केर के बारे में एक बात अन्य भी प्रचलित है कि यह एक पूरी तरह से हरा भरा वृक्ष होता है, इसके फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, लेकिन पत्ते नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक दोहन हो रहा है। सदाबहार, पतझड़ी, शुष्क या मरुस्थलीय। तो अगर हम बात करें कि उपयोगी जो लकड़ियां हैं वो पतझड़ी वनों की पाई जाती है, इसलिए पतझड़ी वनों का सबसे ज़्यादा दोहन किया जाता है। सदाबहार वनों का दोहन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वर्ष भर वहाँ पर देखिए ज़्यादा हरा भरा इसलिए रहते हैं वो, क्योंकि वर्ष भर वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, दलदली क्षेत्र होता है, इसलिए उनका दोहन करना आसान नहीं है। जबकि पतझड़ी वनों की जो लकड़ी है वो फर्नीचर की दृष्टि से उपयोगी होने के कारण इनका सबसे ज़्यादा दोहन किया जाता है। पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, किस प्रकार के वनों का दोहन सबसे कम होता है। अभी हमने बात की कि सदाबहार वनों का दोहन सबसे कम किया जाता है, क्योंकि दलदली भूमि होने के कारण वहाँ तक पहुँच पाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा घने होते हैं ये, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सदाबहार वन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मगरमच्छ, घड़ियाल, दरियाई घोड़ा और ऊंट। तो दोस्तों घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ की एक ऐसी प्रजाति है जो केवल भारत में ही पाई जाती है और किसी भी देश के अंदर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। भारत में भी राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में पाई जाने वाली कौन सी घास दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, धामण, सेवण, अरणा या इनमें से कोई नहीं। तो धामण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से पेड़ गोंद का सबसे बढ़िया स्रोत होते हैं। ऑप्शन दिया गया बबूल, सालर, खेजड़ी, करील।
तो दोस्तों सालर जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सालर के पेड़ की एक विशेषता और भी होती है कि आपने लकड़ी के अगर डिब्बे देखे हों जो पैकिंग वाले होते हैं, जिनमें फल फ्रूट होते हैं उनके लिए या सब्जी के लिए जो लकड़ी के जो बॉक्स होते हैं उनका निर्माण भी सालर के पेड़ से ही किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 22, 89, 565 या 15। तो ऑप्शन नंबर बी 89 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं बेंगलोर, देहरादून, नागपुर, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर 3 नागपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर लगता है। मांगलियावास, कोटा, खेजड़ली या उदयपुर। तो नॉर्मल सी बात है हम कन्फ्यूज होंगे मांगलियावास और खेजड़ली इन दोनों के बीच में, तो ध्यान रखना है खेजड़ली इसका सही उत्तर होगा। मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष मेला जो हरियाली माउस को लगता है वो प्रसिद्ध है, लेकिन खेजड़ली के अंदर लगने वाला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। अगला प्रश्न है भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है। तो 0.03 हेक्टेयर, 0.13 हेक्टेयर, 0.25 हेक्टेयर या 1.25 हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 0.13 हेक्टेयर। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की तो वहां पर हमें ध्यान रखना होगा 0.3 हेक्टेयर जो है वो राजस्थान का होगा, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस मृदा को अपरिपक्व मृदा कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं मरुस्थलीय, लेटेराइट, लाल या पर्वतीय। तो अपरिपक्व जो मृदा है वो पर्वतीय मृदा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली शुष्क हवाएं क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया गया जेट स्ट्रीम, तो ये तो नहीं होगा, जेट स्ट्रीम तो सीधा सा ही कैंसिल हो रहा है। ग्रीष्मकालीन मानसून, तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून तो दक्षिण से आता है, हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है, और ये तो समुद्र से आता है यानी कि हम कह सकते हैं समुद्र से स्थल की ओर आता है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा है शीतकालीन मानसून, तो जी हाँ ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर बहता है और लौटता हुआ मानसून भी इसे बोलते हैं, तो शीतकालीन मानसून इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आम्र वर्षा का संबंध किससे है। केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। तो दोस्तों आम्र वर्षा का संबंध केरल से है, केरल के अंदर मानसून की होने वाली पहली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यह वर्षा आम के फलों के लिए या आम के पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति के अनुसार कुल कितनी ऋतुएं मानी जाती है। 4, 5, 6, 7। तो 6 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संस्कृति के अनुसार कुल 6 ऋतुएं मानी गई है। अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है काल वैशाखी, तो काल वैशाखी तो नहीं होगा, काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में होती है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से पूछा गया है तो मावठ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चिनूक जो है उसका संबंध भारत से है ही नहीं, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से वृक्ष हैं जो ज्वारीय वनों में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है नारियल, नागफनी, राइजोफोरा और सोनेरेशिया। तो नागफनी देखो यहाँ पर फिर से बात ये है कि नहीं पाए जाते हैं ये पूछा गया, तो इसका उत्तर रहेगा नागफनी क्योंकि नागफनी मरुस्थलीय वनस्पति का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है किस ऋतु को मानसून लौटने का काल माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है शरद, ग्रीष्म, शीत और हेमंत। तो दोस्तों शरद ऋतु जो है उसे मानसून लौटने का काल माना जाता है, सितंबर अक्टूबर का जो नॉर्मली महीना होता है इसके बाद से सितंबर से दिसंबर के बीच ये जो मानसून लौटने की प्रक्रिया है यह आयोजित होती है और यह काल शरद ऋतु कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु कैसी है। उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय या मानसूनी। दोस्तों मानसूनी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत भूमि के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो यहाँ पर दिया गया अंग्रेजों ने, ईरानियों ने, पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने। तो अंग्रेजों का तो ऑप्शन ही कट जाएगा, कुछ है ही नहीं। ईरानियों ने तो हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था, पुर्तगाली इसके अंदर नहीं आएंगे, यूनानी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। यूनानियों ने सिंधु सभ्यता के लिए इंडस का, सिंधु नदी के लिए इंडस वैली का और इस देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है भारत में मानसून की कितनी शाखाएं वर्षा करती है।
ऑप्शन नंबर दिए हैं 2, 3, 5 और 4। दोस्तों दो ही शाखाएं हैं जो भारत के अंदर वर्षा करती है, अरब सागरीय व बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से द्वीप मूंगे की चट्टानों अथवा प्रवालों से बने हैं? अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, पारादीप या कोरोमंडल। तो ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान व निकोबार जो हैं उनका निर्माण ज्वालामुखियों से हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों दिया गया है चिल्का, मंगलोर, कांडला और मारमगोवा। तो दोस्तों नीचे वाले जो तीन हैं, मारमगोवा ये गोवा पश्चिमी घाट पर है, कांडला गुजरात है, मंगलोर ये बेंगलोर के अंदर है, ये तीनों पश्चिमी घाट के हैं। जबकि हमसे पूछा गया कि पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है, तो चिल्का जो कि उड़ीसा के अंदर है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी सरकार तट भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पूर्वी घाट का जो सबसे ऊपरी भाग है उसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, तो पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल हिमालय के किस भाग की प्रमुख श्रेणी है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं वृहद हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय या इनमें से कोई नहीं। लघु हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय की श्रेणी है। दोस्तों अगर हिमालय को ऊंचाई के आधार पर विभाजित करें तो तीन भागों में विभाजित करेंगे, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। तो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सारी आपको लघु हिमालय के अंदर ही मिलेगी, जबकि जो ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी आपको वृहद हिमालय के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पर श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो पीर पंजाल एक श्रृंखला है, श्रेणी है, जो कि लघु हिमालय का एक पार्ट है। अगला प्रश्न है, मैदानों के किस भाग में हिमालय की नदियाँ भूमिगत होकर प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया दोआब। तो दोआब तो दो स्थानों, दो नदियों के बीच का स्थान है। खादर की अगर बात की जाए तो खादर जो उपजाऊ मिट्टी होती है बाढ़ के साथ बह करके आती है, उससे मिलकर के बनते हैं। बात करते हैं रन की, तो रन भी इसका उत्तर नहीं होगा। अंतिम ऑप्शन दिया गया है भाबर, तो भाबर बिल्कुल सही होगा। भाबर वो हिस्सा होता है मैदानी भागों का जहाँ पर नदियाँ आती हैं लेकिन बड़े पत्थरों के और कंक्रीटों के बीच में से भूमिगत हो जाती है। इसके बाद दोस्तों मैदानों में तराई नामक स्थान पर ये दोबारा निकलती है। तो जब हमसे ये पूछ लिया जाए कि किस स्थान पर ये नदियाँ दोबारा बाहर आती है, तो उस स्थान को बोलते हैं तराई। तो तराई से ये वापस निकल जाती हैं और भूमि पर प्रवाहित होना शुरू कर देती हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का शीर्ष किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कुमारी अंतरीप, अनाईमुदी, भोरघाट या कोंकणघाट। तो दोस्तों कुमारी अंतरीप जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का शीर्ष कहलाता है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार जिसकी आकृति एक त्रिभुजाकार है, उल्टा त्रिभुज हम इसे कह सकते हैं, तो कुमारी अंतरीप जो है वो इसके बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर स्थित है। तो इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का शीर्ष, क्योंकि एक त्रिभुजाकार आकृति है, तो इसका शीर्ष जो है वो इसके दक्षिण में होगा और भारत के सबसे दक्षिण में कुमारी अंतरीप स्थान है, जिसे भारत का सबसे अंतिम तटीय स्थान भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस से मानी गई है? तो पामीर प्रणाली, हिंद महासागर, पोटवार बेसिन या टेथिस सागर। तो दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से मानी गई है। अगला प्रश्न है, वे लोग जो देश छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? आप्रवासी, उत्प्रवासी, प्रवासी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो लोग देश छोड़ते हैं, बात हुई है छोड़ने की, तो छोड़ने वाले उत्प्रवासी कहलाते हैं। जो किसी देश को छोड़ करके हमारे देश में आते हैं वो आप्रवासी कहलाते हैं, और जो हमारे देश के निवासी नहीं हैं, जो हमारे देश के वैसे तो निवासी हैं लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि धात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, वैसा दोनों। तो दोस्तों ध्यान रखना है, धात्विक खनिज हैं वो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो अधात्विक खनिज हैं वो अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लोहे की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत में जो लोहे की सबसे उत्तम किस्म है वो मैग्नेटाइट है, वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है? चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या ऑपरेशन फ्लड। तो ऑप्शन नंबर बी भूदान आंदोलन इसका सही उत्तर होगा।
रामचंद्र कृष्ण पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी भूमि को दान किया था। ये आंदोलन बड़े जमींदारों के द्वारा छोटे जमींदारों या छोटे किसानों के हित को देखते हुए शुरू किया गया था, जिसमें बड़े जमींदार जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में भूमि है उन्होंने अपनी भूमि को गरीब किसानों को कृषि के लिए दान में दे दिया था। अगला प्रश्न है, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर एक है अतुल्य भारत, दूसरा है पधारो म्हारे देश, तीसरा है रॉयल ऑन व्हील्स और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अतुल्य भारत जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। वहीं स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा पधारो म्हारे देश कार्यक्रम शुरू किया गया था। वहीं रॉयल ऑन व्हील्स राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का एक प्रयास है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन चार दिए गए हैं 1874, 1869, 1853 या 1879। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीन 1853 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 1853 के अंदर भारत में रेल सेवा की शुरुआत मुंबई से ठाणे के बीच की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पाक जल संधि, ग्रेट चैनल, डंकन जल संधि और 8 डिग्री चैनल। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाक जल संधि इसका सही उत्तर होगा। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, तो हमें इस बात को खास ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सह्याद्री, पामीर, हिमालय, अरावली। दोस्तों अरावली जो है वो इनमें सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, कौन से वन खारे पानी में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं? सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, शुष्क वन या मरुस्थलीय वन। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंग्रोव वन जो हैं वो अपना अस्तित्व जो है बनाए रखते हैं। मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों मैंग्रोव वनों को ज्वारीय वन भी कहा जाता है क्योंकि ये ज्वारीय वनस्पति से भी पोषित होते हैं, यानी कि जब समुद्र का ज्वार भाटा आता है तो उस ज्वार से भी ये खुद को पोषित करते हैं, तो खारे पानी में ये अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल रहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण में भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत से जलीय सीमा बनाते हैं? ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों श्रीलंका व मालदीव दो ऐसे देश हैं जो दक्षिण में भारत से पड़ोसी भी हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। अंतिम प्रश्न है, पर्वतों पर पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? मैंग्रोव, गिर, उष्णकटिबंधीय, शंकुधारी वन। दोस्तों पर्वतों पर जो वन पाए जाते हैं वो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ज़्यादा लंबे होना इनकी प्रमुख विशेषता है और शंकु की आकृति के होने के कारण इन्हें शंकुधारी वन भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन व टेस्ट का लेवल पसंद आया होगा। भावी टेस्टों के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।